तो हेलो बच्चों, नुआभा यूट्यूब चैनल के बोड़ावा सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों का जो क्लास टेंथ का बच्चे हैं, आप लोग जितने भी हैं, आप लोगों को पता होगा कि आपका जो मॉडल पेपर है आपका जारी हो गया। तो चलिए, हम सेट वन जो आपका है हिंदी का, उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हुए देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस चैनल में बहुत ही अच्छे तरीके से सभी का सॉल्यूशन कराया जाता है सेट पेपरों का। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा पहला चैनल है जो सभी क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन भी देगा, मतलब कि विस्तार में समझाएगा कि ये आंसर क्यों सही होगा। जिससे क्या होगा कि आप लोग दो सेट भी बनाइएगा तो आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा और आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। तो इस चैनल से सभी सेट की तैयारी कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर का तैयारी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कराता हूँ। पिछले साल हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप में 1400-1500 बच्चे जुड़ गए थे और सभी को बेनिफिट हुआ था। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम दिख रहा होगा, तो वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जो जो बच्चे यहाँ पे नाम लिख कर नहीं सर्च कर सकते, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी चेक कर जरूर कर लेना। लिंक वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी दिया गया, दोनों जगह जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे जो दिख रहा है टेलीग्राम का, जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ग्रुप का नाम, वो लिख के भी आप सर्च मार के जुड़ सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं बच्चों, और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कराता हूँ। तो आप लोग सभी बच्चों का काम है कि आप लोग कम से सभी बच्चों को, एक एक बच्चों को 10 से 15 बच्चों को शेयर करना है, तभी मैं जाकर आगे और भी मोटिवेट होऊंगा और आप लोग के लिए वीडियोज़ बना पाऊंगा। सभी जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप में है, सभी में आप लोग जरूर से शेयर किए ताकि सभी बच्चों को यहाँ पे सुविधा मिल सके, आसानी हो सके। कक्षा 10 का मॉडल पेपर बच्चों हिंदी ए है, 1 घंटा 30 मिनट आपको समय देगा, 1.5 घंटे का, 40 नंबर का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 40 नंबर का है, एक एक नंबर वाले हैं सभी प्रश्न, और 4 विकल्प में 1 विकल्प सही रहेगा। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, गलत उत्तर के लिए आपके अंक नहीं कटेंगे, तो आप सभी क्वेश्चन का टिक मार के जरूर आइएगा। चलिए हम आपके क्वेश्चन पेपर पर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, इसके आधारित प्रश्न दिए हुए हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया रहा है, किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, देश प्रेम स्वाभाविक है, हम जिस देश में रहते हैं हमारा उसके ऊपर भारी ऋण होता है, हमारे देश की जलवायु में पलते हैं, हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में गिर कर बढ़कर उठ कर खड़े होते हैं। ठीक है, और धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है, देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है, हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता के साथ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, देश के देश पर ऊपर के टॉपिक पर ये आपका गद्यांश दिया हुआ था। हम किसके ऋणी है बच्चों, तो आप लोगों ने अभी ऊपर देखा कि हम लोग अपने मातृभूमि के ऋणी है, क्योंकि हम जहाँ पे पलते बढ़ते हैं उसी के ऋणी हो जाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है बच्चों, तो मनुष्य की श्रेष्ठता ये है कि वो गिर कर उठ कर बड़े होते हैं। आपको ये सॉल्यूशन रटना नहीं है बच्चों, ये आपको गद्यांश से ही मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम उन पर भारी ऋण हो जाते हैं जिस देश में रहते हैं, मतलब मातृभूमि हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको मातृभूमि यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोलता है कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो आप लोग अपने अभी ऊपर पढ़ा कि हमारा भरण पोषण हमारे धरती माँ द्वारा दिए गए अन्न के द्वारा ही होता है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धरती के माँ के अन्न के, धरती के द्वारा दिए गए अन्न से। अगला देखिए बच्चों पूछ रहा है देश की उन्नति के लिए हमें क्या करें, तो हम देश की उन्नति के लिए क्या करेंगे बच्चों, 4th कॉप का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी को समता तथा सहृदयता के साथ पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक है, अगला देखिए देश प्रेम क्या है बच्चों, तो आपका देश प्रेम क्या हो जाएगा, 5th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको सभी गद्यांश के आंसर दे दिए हैं। अब चलिए हम यहाँ पे जो प्रस्तुत पद्यांश है, आपके जो कविता से लिया गया, पद्यांश से लिया गया, उससे 5 क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। बच्चों वीडियो में आगे मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है, वहाँ पर आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐप के बारे में चलिए हम आपको विस्तार में बता देते हैं। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक थैंक यू।
इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। लहरों से नौका डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवालों पर 100 पर फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर उठना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर किसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डूबकर सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी गहरे मोती, मोती गहरे पानी में है ना, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसका खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत ही अच्छा कविता है बच्चों, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस डर से नौका पार नहीं होती बच्चों, तो 6th का आपका आंसर हो जाएगा, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। 7th में पूछ रहा है कि नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है बच्चों, तो 7th का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, दीवारों पर चढ़ती है ना, आप लोग ऊपर देख चुके होंगे। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, साहस भरता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु में डुबकियों कौन लगाता है, गोताखोर लगाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे लोगों की हार नहीं होती, तो बच्चों कैसे लोगों की हार नहीं होती, आपका कोशिश वालों की हार नहीं होती, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए व्याकरण आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका व्याकरण ही है। व्याकरण की तैयारी कोई नहीं कराता है, सिर्फ हमारे चैनल में हो रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी और व्याकरण सारी चीज़ें, मैथ भी जहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ, साइंस भी, सभी इस चैनल से अच्छा कोई नहीं करवाता है। तो मैथ हिंदी के लिए मैंने 2-3 क्लास लिए भी है, अनेकार्थी शब्द का मैंने ले लिया है, क्रिया का ले लिया है, तो वो सारे वीडियोज आप लोग देखिएगा, वहाँ पर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, वो कहाँ मिलेगा, आई बटन में मिल जाएगा, आई बटन में जाके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को देख लेने के बाद, ये वाला वीडियो पूरा देख लीजिए उसके बाद देखिएगा, या फिर वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा अंत तक, तो अंत में देखिएगा तो यहाँ पे आपको 2-3 वीडियो दिखने लगेंगे, तो वो वाला भी आप देख सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो ये देख लीजिए। लेकिन हाँ, वो वाला अंत वाला वीडियो जरूर देख लेना जो बच्चे हैं ध्यान से, क्योंकि उसी से आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा। हिंदी का मैंने व्याकरण का तैयारी करा दिया, व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको 40 में, आपको हिंदी में अगर 38 से 40 35 36 से, मतलब 35 से प्लस लाना है, तो आपको वो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछ रहे हैं निम्न में से वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सा है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया मैंने आपको पकड़ना सिखाया था बच्चों, कि सीता गाना गाती है, क्या गाती है, गाना गाती थी, ये नहीं होगा बच्चों, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, कौन सो रहा है, सीधे मोहन पर चल जा रहा है बात, तो यहाँ पर कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है बच्चों, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया पकड़ने आना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में कौन सी वाक्य सकर्मक क्रिया, तो जहाँ पे क्रिया का फल जहाँ पे कर्म पे पड़ता है वो आपका सकर्मक क्रिया होता है। क्या खाता है, खाना खाती है, रीता क्या खाती है, खाना खाती है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों। जलज का अनेकार्थी शब्द क्या होगा बच्चों, तो जलज का अनेकार्थी शब्द जो यहाँ पे नहीं है वो पूछा गया, लेकिन है कौन कौन ये आपको पहले जानना जरूरी है। तो जलज का अनेकार्थी शब्द आप लोग याद रखिए, कमल होता है जो जल से उत्पन्न लिया हो, कमल। फिर मोती होता है बच्चों, ठीक है, मोती जल में ही पाया जाता है। मछली होता है बच्चों, ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे, गलत हैं। बादल इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी एक और अनेकार्थी शब्द याद रखिएगा, चंद्रमा भी होता है, ठीक है, चंद्रमा। अब आगे चलिए बच्चों, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है बच्चों, तो वो आपका समास कहलाता है बच्चों। 17 14 का बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। संधि क्या होता है बच्चों, दो वर्णों का शब्द मेल है, ठीक है, दो वर्णों का, तो वो सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रतिदिन कौन सा समास है बच्चों, तो जिसका प्रथम पद अव्ययी हो, तो यहाँ पे अव्ययी भाव इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नीला है जो कंठ, नीलकंठ, तो देखिए यहाँ पे आपको कर्मधारय और बहुब्री में भी आपको यहाँ पे मतलब कि आना चाहिए अंतर करने, तो बहुब्री क्या होता है, जहाँ पे शब्दार्थ का जो शब्द, जो यहाँ पे लाइन जो दिया हुआ रहता है उसका अर्थ किसी को इंगित करता है, किसी अलग चीज़ को, तो जिसका नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात नीलकंठ मतलब कि महादेव, महादेव मतलब कि भगवान शिव को बोला जा रहा है, शंकर देव को, तो यहाँ पे बहुब्री समास इसका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो आपको तीनों का अंतर समझ में आना चाहिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो ये आंसर आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है कौन सा वाच्य हो जाता है बच्चों, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बालक चांद की ओर क्या देख रहा है बच्चों, तो क्या, क्यों, कैसे, ये तीनों गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा की ओर, मतलब कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है बच्चों, धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है, यहाँ पे अथवा अरे और वाह, यह अरे और वाह जो आपको दिख रहा है ये दोनों आपका विस्मयादि बोधक है बच्चों, तो अथवा इसका आंसर सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखिए बच्चों, फिर से पद्यांश दिया हुआ है तो आपको पढ़ लेना है इसको। उधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत सनह तगा ते दाहिन मन अनुरागी। तो ये आपको पढ़ लेना है, सूरदास जी का यहाँ पे ये पद दिया गया है। तो इस पद के रचयिता कौन है बच्चों? तो सूरदास इसका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी बच्चों? तो कृष्ण जी की थी। वो उद्धव को बता रही हैं कि तुम उसके साथ रहते हो फिर भी उनके प्रभाव में नहीं आ पा रहे हो, तो वो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। ठीक है, पुरेती पान का मतलब होता है कमल का पत्ता। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे पूछा जाता है हमेशा ये क्वेश्चन जब ये पद आता है। तो गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कैसे की बच्चों? तो कमल के पत्ते और तेल के मटके से किए कि कमल के पत्ते कमल पानी में रहते हैं लेकिन फिर भी भींगते नहीं, उसी तरह से तेल के मटके में तेल का गागरा भी भींगता नहीं है, वैसा करके उनको उन्होंने तुलना किया है। अब देखिए अट नहीं रही है जो कविता है, वहाँ पर कविता के आधार पर आपको पता होगा कि हरियाली किस फागुन में बात की जाती है कि हरियाली बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, तो फागुन इसका आंसर सही हो जाएगा। बसंत के ऋतु में चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। उत्साह अट नहीं रही, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है बच्चों? उत्साह और अट नहीं रही दोनों कविताओं के कवि आपको हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 26 का आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि जो मुर्दे में भी जान डाल देती है? तो आपको पता होगा कि दंतुरित मुस्कान से ये चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन। तो ये दंतुरित मुस्कान जो चैप्टर है आपका दंतुरित मुस्कान, वो दंतुरित मुस्कान आपको बच्चे के मतलब कि नन्हे शिशु की हंसी की बात की गई है। फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किन का बदला हुआ रूप है? तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि कन्फ्यूजिंग है कि नदियों का या सूर्य की किरणों का या बीजों का आंसर होगा। बीजों का यहाँ पे तो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया चैप्टर में, तो मेरे हिसाब से सूर्य की किरण यहाँ पे इसका आंसर सही होना चाहिए। आगे देखिए फिर से बच्चों, एक पद्यांश दिया हुआ है, उसके पद्यांश में बाल गोविंद भगत का ऊपर से जो आपका पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसी से ये आपका एक एक्सट्रैक्ट ले लिया गया है, एक हिस्सा लिया हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे बच्चों? तो गा रहे थे। आप पढ़ लेना, ऊपर पढ़ूंगा तो बहुत ही लंबा समय चला जाएगा। भगत जी का बेटा कैसा था बच्चों? तो भगत जी का बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा सा। तो बोधा सा आप लोग याद रखिएगा कि बोधा सा मतलब होता है वो थोड़ा सा कम समझदार होना। अगर देखिए पूछ रहा है कि भगत जी की पतोहू कैसी थी, तो भगत जी की पतोहू सुभग और सील होने के साथ साथ घर की पूरी प्रबंधिका थी, जो कि बहुत ही चलाक औरत थी, मतलब अच्छी औरत थी। बोधा का अर्थ क्या होता है बच्चों? बोधा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, मोटा मत मार देना, बोध के मोटा मार देते हैं। अगला देखिए यहाँ पे नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूछ रहा है कि नेताजी के चश्मा पाठ में पानवाला का व्यक्तित्व किस प्रकार था? तो वो याद रखना है कि वो एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। नेताजी के चश्मा पाठ में व्यक्ति का प्रतिमा किस चीज़ से बना हुआ है? तो संगमरमर के पत्थर का। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि आपको चैप्टर का एनसीईआरटी का हर कहानी का एक एक लाइन पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से बीच से दे दिया जा रहा है कहीं से भी उठा के। तो सारा चैप्टर का सारा आपको जितना भी चैप्टर है सभी को लाइन बाय लाइन रीडिंग करना है, सभी कहानी को 2 से 3 बार पढ़ लेना है। नेताजी का मूर्ति का चश्मा कौन बदलता था बच्चों? तो कैप्टन बदलता था, जो कि कैप्टन वास्तव में फौजी नहीं था लेकिन कैप्टन उनको नाम से सभी बोल रहे थे। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है बच्चों? 36 का आंसर हो जाएगा स्वयं प्रकाश, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर से आपको एक गद्यांश दिया हुआ है और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि 37 से 40 तक सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये बच्चों आपका माता का आंचल ए ऑप्शन से लिया गया है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपका ये चैप्टर, तो आप लोग शुरू में जो आपका सप्लीमेंट्री बुक है उसमें माता का आंचल जरूर पढ़े होंगे शिव पूजन सहाय का। तो सारा चीज़ों का आंसर कराना मुझे ज़रूरी नहीं लगता है, मुझे यहाँ पर हमको पता है कि व्याकरण कराना सबसे इम्पॉर्टेंट है। व्याकरण कराने के साथ साथ जो गद्यांश दिए हुए ऊपर वो कराना इम्पॉर्टेंट है। लेखक क्या खेलते थे और इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है, ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कॉमेंट करना है नीचे जाके, ताकि मुझे पता आएगा कि आप लोग कितने पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि अपने से कुछ मेहनत करिएगा। तो आप लोग नीचे जरूर इसका कमेंट कीजिएगा कि आप लोग इसका दोनों का आंसर क्या होगा। ठीक है, वो क्या खेलते थे और इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। ठीक है, रहरी किस बात का उद्देश्य, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका अरहर दाल को रहरी कहते हैं। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन नीचे कॉमेंट करना है, सभी बच्चों को कॉमेंट करना है, ताकि मुझे पता चलेगा कि सभी बच्चे कितने बच्चे वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो सभी को ये दोनों कमेंट करना है और आपको नीचे ही सॉल्यूशन मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चे उसको कॉमेंट कर दिए रहेंगे। और सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ बच्चों कि सभी प्रत्येक बच्चे को एक एक बच्चे को 10-10 बच्चों को शेयर
करना है। और व्हाट्सअप का जो ग्रुप बना हुआ रहता है उसमें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों, बहुत ही मेहनत से तैयार कर रहा हूँ। अगर आप लोग डालिएगा, जितना शेयर होगा उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना भी मॉडल पेपर है सभी का सोल्यूशन PDF के साथ आपको मुहैया करवा दूंगा, दिला दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आप देखिए अंत में आपको जो वीडियोज दिख रहे हैं व्याकरण को, वो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ वहाँ दिख रहा होगा तो जरूर देख लेना, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।